नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, शायद आपने पहले सुनी होगी। एक बार एक ग्रामीण साहूकार का बटुआ खो गया। उसने घोषणा की कि जो भी उसका बटुआ लौटाएगा उसे 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बटुआ एक गरीब किसान के हाथ लगा था, उसमें 1000 रुपये थे। किसान बहुत ईमानदार था, उसने साहूकार के पास जाकर बटुआ उसे लौटा दिया। साहूकार ने बटुआ खोलकर पैसे गिने, उसमें पूरे 1000 रुपये थे। अब किसान को इनाम के 100 रुपये देने में साहूकार आगे पीछे करने लगा। उसने किसान से कहा, वाह तू तो बड़ा होशियार निकला, इनाम की रकम तूने पहले ही निकाल ली। यह सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने साहूकार से पूछा, सेठ जी आप कहना क्या चाहते हैं? साहूकार ने कहा, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम अच्छी तरह जानते हो इस बटुए में 1100 रुपये थे, पर अब इसमें केवल 1000 रुपये ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि इनाम के 100 रुपये तुमने पहले ही निकाल लिए हैं। किसान ने कहा, मैंने तुम्हारे बटुए में से एक पैसा भी नहीं निकाला है, चलो सरपंच के पास चलते हैं, वही फैसला हो जाएगा। फिर वे दोनों सरपंच के पास चले गए। सरपंच ने उन दोनों की बातें तो सुनी, उसे यह समझते देर नहीं लगी कि साहूकार बेईमानी कर रहा है। सरपंच ने साहूकार से कहा, आपको पूरा यकीन है कि बटुए में 1100 रुपये ही थे? साहूकार ने कहा, हाँ हाँ मुझे पूरा यकीन है। सरपंच ने जवाब दिया, तो फिर यह बटुआ आपका नहीं है। और सरपंच ने बटुआ उस गरीब किसान को दे दिया। तो इस कहानी से हम सभी को क्या शिक्षा मिलती है? तो हम सभी को यही शिक्षा मिलती है कि झूठ बोलने की भारी सजा भुगतनी पड़ती है, इसलिए हम लोगों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए।